हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आपके सामने एक क्लास नाइन्थ के बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन आप देखने के बाद ये अंदाजा लगाओगी कि वाकई में कितना बेहतरीन है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बस कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। यानी कहने का हमारा सेंस क्या है कि वीडियो को आप जब एंड तक देखोगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और हम क्या करने वाले हैं अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बस हमारे साथ बने रहेगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाई 60 मीटर हैज टू रोड्स इच 4 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लॉन, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। Find the cost of graveling the roads at ₹4.50 per meter square। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जो 75 मीटर लॉन्ग है और 60 मीटर ब्रेथ, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उस रेक्टेंगुलर लॉन में दो रास्ता है, दो पाथ है, ओके पाथ नहीं, यहां पर रोड की बात है, मान लो दो रोड है, ठीक है। अब वो दो रोड्स जो है वो दरअसल एक लेंथ के पैरेलल है, एक ब्रेथ के पैरेलल है, जो लेकिन जो रास्ता है, जो सड़क है, जो रोड्स है, उसकी चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, बिल्कुल 4 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लॉन। बात समझ में आ रही है ना, एक लेंथ के पैरेलल है, एक ब्रेथ के पैरेलल है। तो आपको पता लगाना है क्या कि उसको ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट कितना लगेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स एट रुपीज इतना पर मीटर स्क्वायर। अगर इस रुपया 4.5 रुपया पर मीटर के हिसाब से अगर खर्चा पड़ता है तो टोटल उसको ग्रेवलिंग करने में कितना लगेगा। किसको ग्रेवलिंग करना है, रोड को ग्रेवलिंग करना है। तो सबसे पहले आपका ये समझ में बात आनी चाहिए कि हमें जो फाइंड करना होगा वो पहले रोड फाइंड करना होगा। तो रोड का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो ये आप मान लो, उम्मीद दिख रहा होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर लॉन है, ओके मान लेते हैं ए बी सी डी। और इस रेक्टेंगुलर लॉन का डायमेंशन जो कह रहा है 75 मीटर एंड 60 मीटर। तो लेंथ हो गया आपका 75 मीटर और ब्रेथ क्या हुआ, यहां पे ब्रेथ आपका 60 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है क्या, हैज टू रोड्स इच 4 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लॉन, वन पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू ब्रेथ। इसके बीच से एक रास्ता है, बिल्कुल मिडिल से, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हो ये एक रास्ता हुआ लेंथ के पैरेलल और इसके बीच का जो चौड़ाई है सब कितना है, 4 मीटर है। बातें समझ में आ रही, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ के पैरेलल एक रास्ता है और दूसरा रास्ता जो है वो है ब्रेथ के पैरेलल। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो लेंथ जो देख रहे हो इसके बीच जो चौड़ाई है वो 4 मीटर का है और इसका नेमिंग भी कर देते हैं, मान लीजिए ई, ये एफ, ये जी, ये आपका 60 है और इसको मान लो आप एच। क्लियर है, इसके बीच का लेंथ तो आप समझ रहे हो 4 मीटर है। अब उसके बाद क्या करा, ब्रेथ के पैरेलल है तो ब्रेथ यह है और उसके मिडिल से है तो मिडिल से बना दीजिए रास्ता जो 4 मीटर है, तो अब जरा देखिए 4 मीटर विड्थ है किसके, पैरेलल ब्रेथ के पैरेलल एक रास्ता है। यानी हमारे पास यहां पे दो रास्ता है, इसका भी नाम दे दूं एच आई जे के और एल, ठीक है। अब जरा सोचिए कि यहां पे हमें दो सड़क है और दोनों सड़क का जो चौड़ाई जो दे रहा है वो यूनिफॉर्म है जो कि 4 मीटर है, मतलब ये 4 मीटर है, ये रास्ता कितना है, 4 मीटर है। अब हमें पता लगाना है क्या कि रास्ता को ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या मालूम करना होगा, रास्ता का एरिया मालूम, सड़क का एरिया मालूम करना होगा। तो आप देख सकते हो एबीसीडी क्या है हमारा, यहां पे एबीसीडी
इज अ रेक्टेंगुलर लॉन, पहले मैं ये लिख दूं, ठीक है। उसके बाद ई एफ जी एच एंड आई जे के एल आर टू रोड्स, यहां पे दो रास्ता है, ठीक है। अब जरा सोचिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें तो रास्ता को ग्रैबलिंग करना है, हमें क्या रास्ता को ग्रैबलिंग, तो रास्ता का एरिया निकालना हो तो सबसे पहले आप जरा देखिए, ये पूरा 75 मीटर है लेंथ और ये पूरा 60 मीटर है ब्रेथ। तो आपको सोचने वाली बात है कि हमें रास्ता का एरिया निकालना है। अगर मैं ई एफ जी एच का एरिया निकालूं, यानी एरिया ऑफ रोड ई एफ जी एच, तो यहां पे एरिया ऑफ रोड हमारा ई एफ जी एच हुआ, क्या होगा? आप जो देखिए ई एफ जी एच यहां पे रोड है, राइट। तो रोड का एरिया मालूम करने के लिए आपको ये लेंथ लेना होगा, और तो यहां पर लेंथ हमारा 75 हुआ, लेकिन ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ आपका यही ना होगा। ई एफ जी एच जो आप रोड देख रहे हो, तो ये जो लेंथ होगा वो इसके लेंथ के बराबर होगा, रेक्टेंगुलर लॉन जो उसका लेंथ होगा। लेकिन ब्रेथ की मैं बात करूं तो ब्रेथ तो आपका यही होगा, और ब्रेथ आप देख सकते हो सब जगह यूनिफॉर्म है, कितना है 4 मीटर। तो एल इंटू बी, तो क्या होगा 75 इंटू 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 7×28 = 30, यानी 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक रोड का रास्ता हमको मालूम हो गया ना। चलिए अब दूसरा रास्ता देख, दूसरा सड़क देखते हैं। दूसरा सड़क हमारा क्या है, आई जे के एल। तो एरिया ऑफ रोड आई जे के एल, फिर देखिए तो आई जे के एल कहाँ है आपका, आई जे के एल, ये भी तो आपका रेक्टेंगुलर रास्ता है ना। तो आप इस आई जे के एल जो सड़क देख रहे हो, इसका लेंथ जो होगा रेक्टेंगुलर लॉन के ब्रेथ के बराबर होगा। मतलब ये 60 मीटर जो ब्रेथ देख रहे हो, ये ब्रेथ इस आई जे के एल का क्या होगा, लेंथ होगा। अब रही बात ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या होगा देखिए तो जरा, कितना है 4 मीटर ब्रेथ है सब जगह, तो ब्रेथ देखिए ना भाई, ये 4 है तो ये भी तो आपका 4 होगा, ये ना ब्रेथ हो गया इसका, तो ये 4 है ना, तो एल इंटू बी, तो हमारा क्या होगा 60 × 4, 6×40 240 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है बातें समझ में आई, क्लियर है, आगे मूव करते हैं। लेकिन आप जरा गौर फरमाओ, मेरे को तो सड़क को ग्रेवलिंग करना है, रोड को एक समतल बनाना है, तो समतल बनाने के लिए हमें सिर्फ रोड का एरिया चाहिए ना। लेकिन आपने क्या इस फिगर में एक बात नोटिस किया, कहोगे सर क्या, तो जरा देखिए आई एफ जी एच और आई जे के एल में एक ऐसा रीजन है जो हमें कॉमन आया है। कौन सा रीजन है आप गौर फरमाओ, मान लो ये पी है, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो पी क्यू आर एस जो आप देख पा रहे हो, ये पार्ट जो हम देख पा रहे हैं यहां पे, ये पार्ट तो हमारा कॉमन है, ये पार्ट कॉमन आया कि नहीं आया, मतलब कि ई एफ जी एच में भी आया, आई जे के एल में भी आया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई एक रीजन अगर कॉमन नजर आए, जब भी कोई एक रीजन कॉमन नजर आए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डू यू नो, उसके एरिया को माइनस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। कब, जब कॉमन रीजन आ जाए, एक फिगर कोई एक रीजन कॉमन आ जाए, दो में आ जाए, तो वहां पर उसको हम माइनस करते हैं। तो पी क्यू आर एस जो देख पड़े हो, आई ई एफ जी एच में भी है और आई जे के एल में भी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्या एरिया ऑफ पी क्यू आर एस निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो आप जाए दो गौर फरमाइए, पी क्यू आर एस का एरिया क्या होगा, ये 4 है तो ये भी आपका 4 हुआ, और ये 4 है तो ये भी 4 हुआ, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो एक तरह से तरह एक स्क्वायर बन गया हमारा, ये 4 है तो ये 4 हुआ, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब तो बन गया स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 4×4 क्या हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये दोनों एरिया को प्लस करके इसके एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो मेरे को आएगा क्या, एरिया ऑफ टू रोड्स। बातें समझ में आई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या एरिया ऑफ टू रोड्स,
इक्वल 300 प्लस 240 माइनस 16, ये हमारा क्या आया एरिया ऑफ रोड्स। ऐड करेंगे 3 × 5 = 540 माइनस 16। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 10 में 6 गया 4 और 53 में से 1 गया क्या 52, यानी 554 मीटर स्क्वायर हमारा यहां पे क्या आया एरिया ऑफ रोड्स आया। क्लियर बातें। अब रोड्स का एरिया आ गया, अब रोड को समतल बनाना है, ग्रेवलिंग करना है। अब ग्रेवलिंग में बहुत कुछ हो सकता है, ईंट को भी बिछाना ग्रेवलिंग कहेंगे, एक मिट्टी को प्लेन करना भी ग्रेवलिंग कहेंगे, रोलर करना भी ग्रेवलिंग करेंगे। तो उसको ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट हमारा दे रहा है क्या 4.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमारे को दे रहा है 4.5 रुपया, लेकिन टोटल हमें एरिया क्या आया है रोड्स का 524 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स। तो आप गौर फरमा सकते हो 1 मीटर स्क्वायर का 4.5 रुपया है तो 540 मीटर स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो यह लिखेंगे क्या 524 × 4.50। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे को वही आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना होगा, जीरो है तो यहाँ पर जीरो पहले दे देते हैं और 524 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर दिख रहा है क्या, चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 524 है इसको 4.50 से 4.5 मान लो, 5 × 20 जीरो कैरी दो, 5 × 10 = 12, 2 × 7 = 25, 1 = 26, 4 × 16 = 1, 4 × 8 = 9, 5 × 20 जीरो, 6 × 2 = 8, 9 × 6 = 15 और 2 × 3 = 23, 1 और 0 मतलब आया मेरे को क्या डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी ओवरऑल हमें जो आया एरिया क्या आया 2358 रुपी। और इस तरीके से हमारा टोटल रास्ता को ग्रेवलिंग करने का जो होगा 2358 आ रहा है ना मेरे को, यहाँ ले देता हूँ 2358, उम्मीद दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ पूरे रास्ता को ग्रेवलिंग करने का कॉस्ट आया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कैसे किया, क्वेश्चन का मेन फिगर है, फिगर ड्रॉ कर लिए और आप कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमने क्या क्या किया है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई, तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।